दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिन भी स्टूडेंट्स का सस्पेक्ट स्टेटस था, या तो वेरीफाई हो गया है या तो उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं चेक किए हैं तो सबसे पहले स्टेटस चेक करें। और जो है अलग अलग जिलों की सस्पेक्ट लिस्ट है जो वो धीरे धीरे जारी हो रही है। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने स्टेटस नहीं चेक किया है तो आप इस वेबसाइट पर चलाइए sarkarijobfind.com पे, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप गूगल में टाइप कीजिए sarkarijobfind सरकारी जॉब फाइंड जो है सर्च कर दीजिए, उसके बाद वेबसाइट फर्स्ट नंबर मिल जाएगी, आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे आपको यहाँ पे यूपी चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस फॉर ऑल कैंडिडेट के सामने क्लिक है जो है वहाँ पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे अपना सारी चीज़ें डाल के अपना जो है सेलेक्ट करके स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूँ दोस्तों कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी स्कॉलरशिप सस्पेक्ट है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए, और सस्पेक्ट वालों की लिस्ट भी जारी हो रही है तो आप देख लीजिए कैसे। तो दोस्तों आपको सस्पेक्ट वाली लिस्ट देखने के लिए क्या करना है कि जो भी यहाँ पे आप जिस भी जिले के हैं उस जिले को टाइप कर देना है। जैसे कि आप मान लीजिए आजमगढ़ जिले के हैं, तो यहाँ पे मैं आजमगढ़ टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लेंगे मैं गूगल में लिख लेता हूँ आजमगढ़, और आपको वेबसाइट वही खोलनी है azamgarh.nic.in, जिस भी जिले का हो उस जिले का नाम लिखिएगा, उसके बाद .nic.in वाली वेबसाइट खोलिएगा। जैसा कि मैं azamgarh.nic.in वाली वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ, तो ये वेबसाइट ओपन हो रही है, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट ओपन हो गई। कभी कभी स्लो भी लोड होगी तो आप इसे देख लीजिएगा। यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट करके खोलेंगे तो इस तरह की दिख जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिसेस का एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे नोटिसेस के सेक्शन में यहाँ पे अनाउंसमेंट दिख रही है। जैसे दोस्तों आप इस अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे टाइटल है, देखिए यहाँ पे करिकुलम नोटिस फॉर CMO ऑफिस आजमगढ़, ये सब हम आपको नहीं देखना है। सीधे आपको यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक सस्पेक्ट डाटा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आजमगढ़, यहाँ पे स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक सस्पेक्ट डाटा OBC ऑफिस, तो ये जो है चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक का सस्पेक्ट डाटा देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देख जाएंगी कि कहाँ जो है किसका जो है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आजमगढ़ के जिले के हैं तो जिन भी स्टूडेंट का डाटा सस्पेक्ट है यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन ये है, तो मैं इसे जूम कर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट सर्च कर सकते हैं। नाम सेलेक्ट कैसे सर्च करेंगे तो अपन अपनी PDF खोल लीजिएगा और यहाँ पे Ctrl+F दबा दीजिएगा, Ctrl और उसके बाद F। जैसे Ctrl+F दबाएंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप नाम सर्च कर लीजिए, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ दिनेश, तो यहाँ पे आप अपना नाम दिनेश सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिनेश के नाम से जो भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पूनम यादव, दिनेश यादव, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे जो है जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे सस्पेक्ट था सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा किन किन स्टूडेंट्स का सस्पेक्ट यहाँ पे जारी हुआ है। ऐसे आप किसी भी जिले का देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आजमगढ़ जिले के अलावा किसी भी और जिले के हों आप उस जिले का भी देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इलाहाबाद, प्रयागराज सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रयागराज जैसे ही मैं सर्च कर लेता हूँ तो प्रयागराज की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं prayagraj.nic.in पे आपको आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ गई प्रयागराज की ऑफिशियल साइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रयागराज पे मैं खोल लिया, उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज पे खोल लिया। तो यहाँ पे प्रयागराज पे खोल के आप वहाँ पे देखना है आपको कि आपकी स्कॉलरशिप की यहाँ पे कैसे कैसे सस्पेक्ट है, तो उस हिसाब से देख लीजिए। और अपना स्टेटस भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि स्टेटस में आपका क्या चीज़ें हैं और कहाँ तक स्कॉलरशिप आपकी पहुँची है, स्टेटस में भी आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो ये रही कंप्लीट डिटेल्स ये वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।